कोरोना का जो समय था वो एक नया दौर एजुकेशन का साथ साथ में काम का लेकर के आया यानी कि वर्क फ्रॉम होम नया चलन में आया साथ में ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर रहे थे और जो पेरेंट्स थे वो घर बैठे काम कर रहे थे ये जितना नया था उतना ही ज्यादा अलग भी था और इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत रही वो इंटरनेट की रही तो फिलहाल हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जो हमें बताएंगे कि वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ बिजनेस और पढ़ाई इन्होंने कैसे मैनेज किया और इनकी जिंदगी

देखिए थोड़ा सा हमारे लिए एक नई चीज थी क्योंकि इतना ज्यादा हम नेट तो यूज कर रहे थे पर इंटरनेट जो है ना वो अब कोरोना टाइम में जितना इम्पोर्टेंट हो गया उतना शायद पहले कभी नहीं था सब कुछ ऑनलाइन हुआ कन्वर्ट हुआ तो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था धीरे धीरे हमें मैनेज करना आया और बहुत थोड़ा मुश्किल लगा हमें वक्त क्योंकि उस टाइम काम भी आपको घर से करना है आपको बच्चों की पढ़ाइयां भी देखनी है साथ में जो वाईफाई था वो हमारे लिए इतनी नीड हो गया कि हमने एक नहीं हमने दो दो वाईफाई लगा रखे हैं एयरटेल भी लगा रखा है जियो भी लगा रखा है तो क्योंकि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी बंद होता है तो हमें इनकी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू क्लासेस भी ऑनलाइन थी ट्यूशंस भी ऑनलाइन थी हमारा जो वर्क था वो भी ऑनलाइन था तो मैनेज करना बहुत टिपिकल था हम तो सोच भी नहीं सकते विदाउट नेट की तो आपने बताया है कि आपने दो दो वाईफाई लगा रखा है इससे दिखता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है वाईफाई की तो जस्ट एक सवाल क्या आप एक दिन वाईफाई के बिना या बेसिक जो जरूरत में कितना शामिल हो गया जैसे बेसिक जरूरत है उसमें वाईफाई अब कितना इंटरनेट कितना ज़्यादा शामिल देखिए जैसे जीवन में खाने की जरूरत डेली होती है ना ऐसे ही मुझे लगता है कि वाईफाई और ऑनलाइन नेट की जरूरत उतनी ज्यादा बेसिक हो चुकी है जरूरत हो चुकी है इसके बिना मैं तो नहीं सोच सकती कि आधा घंटा भी अगर वाईफाई चला जाए तो लगता है सारा काम ही रुक गया तो ये जो जरूरत आपने बताई ये कोरोना के वक्त से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन एजुकेशन से था इससे पहले भी कुछ हाल ऐसा था नहीं पहले ऐसा नहीं था पहले हम इनके बिना चल जाता था काम ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ऑनलाइन स्टडी नहीं होती थी ऑनलाइन बिजनेस नहीं होते थे अब तो काफी कुछ मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम तो था बट ऑफलाइन होने के बावजूद भी बच्चों की ट्यूशन शायद आज भी ऑनलाइन चलती है जो काम है वो काफी जगह पर आज भी ऑनलाइन चलते हैं कुछ ऑफलाइन होते हैं कुछ डेज ऑनलाइन होते हैं तो इसीलिए बहुत बेसिक जरूरत होगी कोरोना से पहले इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बींग एज मदर आपको अपना बिजनेस आपको अपना वर्क फ्रॉम होम भी देखना है और आप एज अ माँ है तो आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी खाना से लेकर के बच्चों का तो कितना डिफिकल्ट रहा ये वक्त आपके लिए क्योंकि सब कुछ घर पे है आप बहुत बाहर नहीं जा रही सब कुछ घर पे करना तो ये समय कैसा रहा आपके लिए देखिए जो फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था तो उस टाइम वेव्स इतनी हार्मफुल नहीं थी तो हम सब ने मिलकर एक वक्त बिताया ऑनलाइन स्टडी की काम किया घर में कोई गेस्ट का आना जाना नहीं था तो मैनेज हमने कर लिया सबने मिलकर पर उसके बाद जब दूसरा वक्त आया तो बहुत मुश्किल हो गया था ऑनलाइन तो वर्क कर ही रहे थे साथ में बहुत ज्यादा टिपिकल सिचुएशन हो चुकी थी हर बंदा डर रहा था तो घर में ही जो चीज हो रही थी वो घर में ही हम कर रहे थे बहुत मुश्किल था मैनेज करना पर अब लगता है कि एक हैबिचुअल हम लाइफ के लिए ना हैबिट्स ही बन गई है कि अब हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं बट सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग हमने बहुत की ऑनलाइन ऑनलाइन खाना बनाना सीखा यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही सीखी तो ऑनलाइन होना अब तो मुझे लगता है एक नॉर्मल बंदे के लिए जो वर्क नहीं करता ऑफिस में नहीं जाता उसके लिए भी एक हाउस वाइफ के लिए भी ऑनलाइन बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका मानवीय आप बताइए क्योंकि आपके लिए भी पहली बार था आपने भी कभी भी इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की होगी तो ये आपके लिए फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ाई करना कैसा एक्सपीरियंस रहा था पहले तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि अब हमारा सब कुछ ऑनलाइन होगा है लेकिन वो काफ़ी मेरे डिफ़िकल्ट रहा ऑनलाइन में आ, आ, जाना ऑफलाइन में हमारे बैठता है लेकिन ऑनलाइन में हमारा कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं बैठता है टीचर्स की मतलब हमारा उनके साथ इतना बॉन्ड भी नहीं होता है हमारी पढ़ाई जो है वो अच्छे से नहीं होती ऑनलाइन में तो मेरे को जो है पहले पहले बहुत प्रॉब्लम हुई थी लेकिन अब जो है थोड़ी आदत सी हो गई है इंटरनेट आपके हिसाब से आपकी मम्मी ने बताया बहुत ज़रूरी है उनके लिए वो आधा घंटा अपना इमेजिन नहीं कर सकती आपके लिए इंटरनेट आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत है इंटरनेट के बिना आपकी लाइफ कैसी मेरे लिए भी इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि अगर मेरे को कोई भी पढ़ाई करनी है मेरे को नोट्स चाहिए तो वो सारे मैं इंटरनेट से ही करती हूँ बुक्स जो है उसको थोड़ा कम यूज़ इस्तेमाल करके इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ तो अगर मेरे को पढ़ाई करनी है, है फिर कोई एंटरटेनमेंट करना है वो दोनों के लिए इंटरनेट पर ही जाना पड़ रहा है तो इंटरनेट इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप बताइए आप अपनी लाइफ इंटरनेट के बिना किस तरीके से देखते हैं आपको लगता है कि जो करंट टाइम है अब कोरोना काफ़ी कम है वर्क फ्रॉम होम या ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई नहीं फिर भी आप इंटरनेट के बिना अभी फिलहाल सर्वाइव कर सकती हैं सरवाइव कर सकते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल रहेगा मेरे हिसाब से सरवाइव तो कर ही सकते हैं इंटरनेट के बिना लेकिन बहुत मुश्किल रहेगा लाइफ like, जो है एकदम ही जैसे कोरोना से हिल गई थी तो इंटरनेट एकदम खत्म होने से भी एकदम ही हिल जाएंगी लाइफ तो आपके अकॉर्डिंग भी इंटरनेट फिलहाल बहुत ज़्यादा बेसिक ज़रूरतों में है मैम दो दो इंटरनेट की क्या कहानी है एक इंटरनेट मतलब समझ आता है आपके घर के लिए दो दो का क्या सीन है देखिए मेरे तीन बच्चे हैं और तीनों ही पढ़ने वाले हैं और बिजनेस भी फिर घर से चल रहा था उस टाइम में अब जैसे बताया कि आधा घंटा भी अगर चला जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था मैनेज करना तो उसमें ऐसी सिचुएशन जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो गई थी तो उसी लिये उससे बचने के लिए कि ऐसा कोई फॉल्ट ना आए इसलिए हमने दो लगवाने पड़े बच्चों का एग्जाम भी ऑनलाइन था तो एक बार ऐसा सिस्टम हुआ हमारा कि ऑनलाइन हमारा ये ऑफ हो गया तो हमें लगा कि भाई दो दो ये चाहिए हमें नेट उसकी वजह से आज हम दो वाईफाई हमने लगा रखे हैं तो आपने सुना ये एक परिवार है जिसका कहना है जिनका कहना है कि बिना इंटरनेट के वो फिलहाल अभी के टाइम भी अपने जीवन का आधा घंटा भी शायद नहीं सोच सकते यानी कि इंटरनेट और मोबाइल हमारे आम जीवन में इतना ज्यादा बुनियादी स्तर पे घुस चुका है कि बिना इंटरनेट के इमेजिन करना अपना टाइम हर एक छोटी से छोटी चीज चाहे वो पढ़ाई हो शॉपिंग हो या खाना की रेसिपी हो सबके लिए इंसान इंटरनेट पर निर्भर है यानी कि इंटरनेट हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा घुस चुका है कैमरा पर्सन सी सिंह के साथ मेघा उपाध्याय News, Delhi.